ये हमारा दूसरा स्कूल है, इसमें जाके देखते हैं क्या प्रोसीजर है। सेंट फिटलिस लिस्ट से गायब। इसमें अगर कोई एडमिशन कराने के लिए सोच रहा है तो फॉर्म ले लिया, इसका भी अलबरकत का, इसका फॉर्म महंगा। अपना प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं साथ में, है बड़े चालाक लोग हैं। थोड़ा स्कूल का देख लीजिए हालत, यहाँ पानी नहीं भर गया आगे। इनमें एडमिनिस्ट्रेशन वालों में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है, दोहर का दोबा खत्म हो गया, यहाँ पे जमात हो गई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज आखिर नदीम, यू आर वाचिंग मी ऑन चैनल एंड खान, आई एम बैक इन द ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का दिन का शुरुआत हो रहा है हमारा गाड़ी का चेन क्लीनिंग वगैरह मैं करवा रहा था। राइड करके लाया हूँ तो 600-700 किलोमीटर चलने के बाद उसका चेन एकदम सूख चुका है, ढीला हो चुका है, तो उधर बाइक को दिया हूँ क्लीनिंग के लिए। इसके अलावा हमें और भी काम है, आसिफ भाई का कोई कजिन है तो जो है एडमिशन लेना है स्कूल वगैरह में, तो उसी के लिए जा रहे हैं पता करने। तो लाइन से 4-5 स्कूल जो हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट किए हुए उसमें जाके पता करेंगे प्रोसीजर क्या है, और भी जो चीजें डिटेल्स मिलती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला APS, इस पे हम ट्राई करेंगे, पता नहीं अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड है या नहीं, बट चुपके चुपके करेंगे हम। यहाँ पे फॉर्म्स ही नहीं अवेलेबल है, एक 5th 7th दोनों के नहीं अवेलेबल है, 1st 2nd और 6th और 8th के अवेलेबल है बस। तो ये पहला इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई वीडियो को लाइक करो। अब जा रहे दूसरे स्कूल में, वहाँ पे देखते हैं क्या प्रोसीजर है। अपनी अगली मंजिल जो है वो है इकरा पब्लिक स्कूल। आज हम चला रहे हैं अपनी पुरानी सिटी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, अपनी गाड़ी दे दिया इसीलिए। हाँ इकरा मैं गया हूँ बट रास्ता नहीं याद है मुझे। कैसे कैसे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है हमें बच्चों के स्कूल के लिए सारे। अरे भाई पत्ते उड़ते हुए आगे आ रहे हैं। राइट यहाँ से आई थिंक राइट फिर चकाचक रोड है। ये देखिए भाई अटलांटिक ओशियन। ये हमारा दूसरा स्कूल है, इसमें जाके देखते हैं क्या प्रोसीजर है। खैर आपको पते की बात बताऊं, मैं यहाँ पे एंट्रेंस दे चुका हूँ अपने 11th के लिए, आज से 6 या 7 साल पहले हुआ नहीं था मेरा। और आसिफ भाई अपनी प्रॉपर्टी इकरा पब्लिक स्कूल वालों के नाम करते हुए। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने में तो ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है हम इसको 8/10 देंगे, थोड़ा सा कमी है बताएंगे, वहाँ आगे की तरफ गंदगी है थोड़ी। अच्छा मंडे को और ये तो 6 को है। वो तो पूछ लीजिए सिलेबस कहाँ पे मिलेगा एंट्रेंस की पढ़ाई के लिए। 5th का 4th का 3rd का पढ़ना पड़ेगा। अच्छा कैंडिडेट डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स। 500 का फॉर्म था, 5th स्टैंडर्ड का ना, 5th का है, 7th का नहीं था। फॉर्म का 8 तक 500 है। अच्छा 8 तक जो है 500 का ही फॉर्म है, 7th का नहीं मिला, सिर्फ 5th का मिला। और इसका क्या है, समझ में वो नहीं है, सीट नहीं खाली, सीट नहीं खाली है, सीट ही हर जगह फुल हो जा रही है, इतना डिमांड है भैया। पहले से ही नहीं। अच्छा पहले से ही नहीं है। देख रहे हैं कैसे इलाके में स्कूल। सेंट फिटलिस कहाँ पड़ेगा? अभी अगला स्कूल अपना जो है सेंट फिटलिस। सेंट फिटलिस का जो लेवल है ना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब मैं एक वक्त पे ट्यूशंस पढ़ाता था तो सेंट फिटलिस के जो बच्चे थे ना वो कमाल के थे, मतलब दे वर गुड, वो अपना काम वो बेहतरीन तरीके से जानते थे। 7th क्लास में थे और लेवल लगता था कि यार 7th के बच्चे हैं, वो वहीं पे जा रहे हैं रामघाट रोड पे सेंट फिटलिस। ठीक है फिटलिस साउंड्स लिटिल किडिश, मैं तो राइम कर रहा था। अभी हम आए थे सेंट फिटलिस स्कूल पे, ये उसका सीनियर सेकेंडरी वाला विंग है, मतलब सीनियर्स वाला, इधर पता करते क्या प्रोसीजर वगैरह है। यहाँ पे एडमिशन का थोड़ा लोचा है, कह रहे हैं ऐसे नॉर्मली यहाँ पे एडमिशन होता नहीं किसी का भी, बहुत सोर्स पावर चाहिए, बहुत ज्यादा लिंक चाहिए। मैं तो जानता हूँ ऐसे को, मैंने ट्यूशन भी पढ़ाए हुए जो सेंट फिटलिस में पढ़ते थे, पता नहीं क्या प्रोसीजर है, कह रहे हैं अभी नहीं हो पाएगा, सेंट फिटलिस लिस्ट से गायब। इसमें अगर कोई एडमिशन कराने के लिए सोच रहा है तो ये यहाँ पे मना कर रहे हैं कि अभी नहीं एडमिशन हो पाएगा। इनकी अभी ऑनलाइन वेबसाइट चेक की, उस पर दिखा रहा है LKG नर्सरी LKG, इनके एडमिशन जो है यहीं से स्टार्ट होते हैं, तो मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ा रहा था ना वो लोग भी बचपन से उसी में पढ़ रहे, तो शायद यही प्रोसीजर होगा कि शुरू में अगर एडमिशन करा लो तो ठीक है, 5th 6th ऐसे बीच में नहीं करते एडमिशन, दैट्स द प्रॉब्लम। वॉचमैन तो कुछ और ही अलग बात बता रहा है कि अरे पावर अंबानी के बेटे आके मतलब यहाँ पढ़ेंगे, नॉर्मल पब्लिक के लिए है ही नहीं। अब कौन सा बचा है, इसमें चलना है DPS में, यहाँ बगल में DPS भी है, सोच रहे उस पर पता कर ले दिल्ली पब्लिक स्कूल। अभी आए थे DPS, इसका पहले ऑनलाइन देख लेते, इसमें भी सेम वही सिस्टम तो नहीं है, तभी जाएंगे अंदर पता कर रहे हैं। हेलो
Yeah, am I speaking to DPS Aligarh? Yes. Yeah, I wanted to know the admission procedures. For what classes you are taking admission? I just wanted to know whether you grant admissions for 5th standard, 7th standard or from nursery or LKG. Can take any kind of information regarding it. Okay, thank you so much. जाके सिटी ऑफिस पे चले जाए तो ये बोल रही है मोहतरमा कि आप एडमिशन किसी भी में ले सकते हो, सेवन्थ हो, फिफ्थ हो। जा रहे भाई ऑफिस पे, देखते हैं कितना टाइम हो रहा है। टाइम 12:50 दो तीन। अभी अपन लोग अंदर घुस रहे हैं, लेट्स चेक। बराबरी वालों से भी बात कर लेता है, नीचे वाले से भी बात कर लेता है, किसी को ऐसा नहीं फील करेगा कि अपन कुछ अलग है एकदम। अपन अंदर भी जाके बोलेगा ये सुनना अपन को एडमिशन मांगता है। मुन्ना भाई MBBS वाला सीन करूंगा मेरे को अंदर जाके मैं। अलीगढ़ शहर में कहीं भी रहे आप, चाहे आप क्या कहते हैं जहाँ टावर है, FM टावर वहाँ है। गाइस सब कुछ हमने पता कर लिया, ये महंगा है थोड़ा और सारे स्कूल्स के मुकाबले। कितना 5 से 10,000 रुपए का फर्क आएगा बाकी स्कूल्स के मुकाबले। क्वार्टरली फीस इसकी जो है, देखिए फिफ्थ की क्वार्टरली फीस जो है मतलब हर 3 महीने 22,800, सेवन्थ की 26,400। दैट मीन्स फिफ्थ में अगर पढ़ रहा आदमी तो एडमिशन फीस जो है हर क्लास की 15,000 है सेम DPS की। सो दैट मीन्स 1,05,000-4,000 इतने करीब पड़ेगा एक बच्चे का यहाँ पे पढ़ना फिफ्थ क्लास के लिए। सेवन्थ के लिए थोड़ा और महंगा पड़ेगा यही। सो अपना DPS भी हो गया, अब कौन सा बच्चा? अलबरकात, आयशा तरीन, दो और बच्चे हैं। दौड़ते प्यास लग गया भैया, पानी पी लेते हैं थोड़ा। भैया एक पानी का बॉटल ले लीजिए। नेक्स्ट स्कूल अपना जो है वो है आयशा तरीन मॉडर्न पब्लिक स्कूल। थोड़ा स्कूल का देख लीजिए हालत, यहाँ पानी नहीं भर गया आगे, ठीक है। अगर इनमें एडमिनिस्ट्रेशन वालों में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है या मतलब स्कूल में जो काम करते हैं इसका ख्याल रखें थोड़ा। है भाई इसको सही भी कराएं, ये पूरा लुक ख़राब कर दे रहा। खैर अंदर जाते हैं, लेट्स सी क्या प्रोसीजर वगैरह है। अलबरकात में फिर चलेंगे लास्ट। फर्स्ट से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक जो है वो 40,000 के करीब है इसकी एनुअल फी। फिफ्थ टू एट तक जो है, नहीं सिक्स से लेकर एट तक जो है वो है 50,000 अप्रोक्सीमेटली इतना है। ये मतलब उससे तो DPS से काफ़ी सस्ता है। अंदर पढ़ाई कैसी होती होगी वो तो वल्लाहु आलम। वो तो जब कोई, अब आयशा तरीन का कोई स्टूडेंट मैंने पढ़ाया नहीं है तो मुझे उतना आइडिया भी नहीं है। अलबरकात बचा हुआ भैया वो थोड़ा रईसों वाला है, वो भी थोड़ा पढ़ाई उतनी कोई ख़ास तो नहीं होती है बट उसकी फ़ीस वगैरह ज़्यादा है क्योंकि उधर एक नफीस का जो है कज़िन पढ़ता है तो सब पता है उसके बारे में। ये अलबरकात का शायद एग्जाम चल रहा है, इतनी भीड़ है इधर, पैदल जाना पड़ा मैं बाइक खड़ी करके। क्या भयंकर वाला जाम लगा हुआ है, पूरा मेला लगा हुआ है ऐसा लग रहा है। खैर अब अंदर जाके पता करते हैं एडमिशन का कहाँ पे क्या होएगा। ये देख लाइब्रेरी यार इतनी बड़ी सी। सो गाइस फॉर्म ले लिया इसका भी अलबरकात का। इसका फॉर्म महंगा है, 800 रुपये का एक फॉर्म है और इसका अप्रैल में शायद एंट्रेंस है, बाकी सेवेंथ में तो वैकेंसी है ही नहीं एक भी खाली। अपना प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं साथ में, हैं बड़े चालाक लोग हैं यार। खैर ये रंगबाजी वाला स्कूल है, थोड़ा यहाँ पे रंगबाजी ज़्यादा चलती है, नाम बड़े दर्शन छोटे उस टाइप का है। पढ़ाई पे स्टूडेंट्स कम फोकस करते हैं, रंगबाजी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अभी जोहर का वक्त हो गया, जा रहे हैं मस्जिद की तरफ नमाज़ पढ़ने के लिए। जोहर का तो वक्त ख़त्म हो गया, यहाँ पे जमात हो गई है। हमने कुछ नहीं तो आज कम से कम 6 से 7 अलग अलग स्कूल्स जो है चेक कर लिए। अभी जोहर का वक्त हो गया, जा रहा है नमाज़ पढ़ने, मतलब वक्त तो पहले ही हो गया था बट छूट गई जमात वहाँ पीछे। तो अब जा रहे हैं यहाँ पे हॉस्टल के मस्जिद में पढ़ेंगे, फिर बाइक जाके उठानी है जो दिया हुआ मैं चेन क्लीनिंग के लिए। 2.5 महीने बाद मैं इस मस्जिद में आ रहा हूँ। जल्दी अनबॉक्स कीजिए। अरे कुछ नहीं है उसमें, ऐसे जिप की तरह खोल रहा है। ग्रीन में भी था नहीं दिया, कौन सा साइज है? M। हाँ सही है, यही मुझे भी आएगा। अबे यही मुझे भी आएगा, अभी ऑर्डर कर रहा हूँ अभी। नहीं ये सही है, बेवकूफ शोल्डर खसक के नीचे आ जाएगा तो फायदा क्या, प्रोटेक्शन कहाँ से रहेगा? ये नीचे भी तो देखो, सब देखो ना, रुको सब सही है, ये भी सही है, नीचे छोटा ही रहता है, नीचे छोटा रहता है। ये साइज हो, सुनो एल मत लेना लटक जाएगा, बहुत फर्क आएगा। मत लेना ये सही है, ये तुम्हारा शोल्डर एकदम सही परफेक्ट है। ये इसको देखते हैं, इसको देखते हैं पीठ पे है कि नहीं, है पीठ पे भी है। अब ये गिरेगा बाइक लेके तो कुछ नहीं होगा इसको। हॉस्टल में अनबॉक्सिंग ऐसे होती है जब लाइट वाइट नहीं रहती, छत पे आना पड़ता है नेचुरल रोशनी के लिए। ये जनाब
पूरा एक्सर वगैरह का राइडिंग जैकेट मंगाए, इनको ट्रिप पे निकलना है। इंशाल्लाह जल्दी निकलेंगे हम लोग, एक हफ्ते में निकलेंगे। अब मैं कंफ्यूज हूँ, मैं यामाहा का लूं, एक्सआर का लूं, यामाहा का लूं या तीसरा कौन था, राइनॉक्स, किसका लूं? राइनॉक्स। वो 1.5 किलो का है यामाहा वाला। सो गाइस पूरा क्लीन हो चुका है इधर से, सब साफ, चेन भी। यू कैन क्लियरली सी पूरी बाइक चमचमाक एकदम चमक चुकी है, चेन भी। अब इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत इंप्रूव हो गई, पिकअप वगैरह सही दे रही है, पहले तो बर्बाद था। अभी आए थे खाना खाने के लिए, दोपहर में हम खाए नहीं थे तो अभी जा रहे खाने। क्या आज हम गए टोटल 6 से 7 स्कूल्स पे, जिसकी फीस 1 लाख से लेकर 40,000 तक भी है। अलग अलग वैरायटी के स्कूल्स हमने आपको दिखाए और इन सब भाग दौड़ में काफ़ी थक गए, इसीलिए आगे चुपचाप खाना खा रहे। ये अपना क्या है ये? अच्छा भाई क्या, हाँ ये अपना चिकन चंगेज़ी। नौश फरमाइए। मैं हॉस्टल रूम पे वापस आ गया हूँ, 2-2.5 महीने के बाद आपको मेरा रूम देखने को मिल रहा होगा। और हाँ, पढ़ाई इंफ्रास्ट्रक्चर और सब चीज़ों के मामले में मुझे DPS ज़्यादा बेहतर लगा, बट उसकी फ़ीस थोड़ी हाई है। बाकी सबसे कम उस हिसाब से आई गेस इकरा की होगी, बट फिर वो उतना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर नहीं पाता इकरा। अलबरकात भी ठीक ठाक है, बट उसमें थोड़ा लड़के ज़्यादा शो ऑफ टाइप के रहते हैं। जिन घरानों में ज़्यादा पैसे रहते हैं उनके घर के लड़के आते हैं, वैसे भी होंगे नॉर्मल फैमिली वाले, बट ज़्यादातर वही जाते हैं, तो उतना सीरियस लेते नहीं पढ़ाई को। आयशा तरीन ठीक ठाक है, यू कैन कंसिडर इट। सेंट फिल्डिस में तो भाई आपको नर्सरी से डालना पड़ेगा और फिर उसका अलग ही मसला है, पता नहीं क्या। बाकी सब बढ़िया, मिलते हैं नए ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। इकरा पब्लिक, इकरा मेरी जमाल बढ़ा गई। और आसिफ भाई अपनी प्रॉपर्टी, इकरा और आसिफ भाई अपनी प्रॉपर्टी। आसिफ भाई ऑर्डर करिए जल्दी से, भूख लगी है।